Hi, myself Dr. Bhagwat Rajput. I am a senior consultant psychiatrist at Manipal Hospital, professor in WCMSR Medical College. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन ड्रग एडिक्शन के बारे में, जिसको हम ओपियोइड के नाम से जानते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ओपियोइड यूज़ एंड उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है या किस तरह से उसका एडिक्शन हो जाता है, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ओपियोइड जो है एक पॉपी प्लांट से पेपेवर सोमनीफेरम से डेरिवेटिव्स है, जो सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक एनर्जेसिक का काम करते हैं, और इसमें जैसे हीरोइन, चिट्टा, ये बाकी चीज़ें भी इंक्लूड होती है। आमतौर पे जो हमें पेन किलर्स होती है मार्केट में अवेलेबल अलग अलग तरह की, वो भी ओपियोइड के ही सब्स्टिट्यूट या फॉर्मेट्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं। ओपियोइड यूज़ डिसऑर्डर या किसी भी ड्रग एडिक्शन के काफ़ी सारी कॉजेस होते हैं। एक तो काफ़ी बार लोग जैसे पीयर प्रेशर होता है कि मेरे साथ वाले दोस्त नशा करके देख रहे हैं तो मैं भी करके देख लूँ। फिर उसके अलावा काफ़ी बार जो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, इन चीज़ों से बचने के लिए भी लोग इस ड्रग की तरफ झुक जाते हैं। किसी किसी व्यक्ति में ये भी पाया गया है कि उनकी मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज़ होती है, जैसे कैंसर पेशेंट्स है या और कोई क्रोनिकली इल पेशेंट है जिनको क्रोनिक पेन सिम्टम्स है, तो उससे रिलीव करने के लिए वो इनिशियली एक प्रिस्क्राइब डोजेज में ओपियोइड लेते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर उनको उसका एडिक्शन हो जाता है। फिर मॉडलिंग भी है, जैसे हम काफ़ी बार देखते हैं कि स्मोकिंग और बाकी चीज़ों की, अल्कोहल की जिस तरह से मॉडलिंग होती है, उसी तरह से फिर ओपियोइड भी एज अ मॉडलिंग फैक्टर भी काफ़ी जो यंग लड़के हैं वो लेना शुरू कर देते हैं। आजकल इसकी जो अवेयरनेस है, इसके जो सिम्टम्स है, उसकी सिवियरिटी बच्चों को पता ना होना कि इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और जो शॉर्ट टर्म खुशी उनको चाहिए होती है, एक किक चाहिए होती है आज के जनरेशन में, जिसको हम जेन जी भी बोलते हैं, तो इन बच्चों का जो होता है एक पीयर प्रेशर होता है कि मान लो 3-4 दोस्त है वो ले रहे हैं तो आप भी लेके देखो। फिर जो स्ट्रेस है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है या कन्फ्लिक्ट है, या उनको इमोशनली वेंटिलेट होने के लिए उतने चैनल्स बचे नहीं है, तो इसकी वजह से उनका झुकाव फिर धीरे धीरे ड्रग की तरफ बढ़ जाता है। ओपियोइड यूज डिसऑर्डर या ओपियोइड डिपेंडेंस सिंड्रोम या विड्रॉल सिंड्रोम हम तब बोलते हैं कि इसमें दो तरह के डिपेंडेंस होते हैं। एक तो होता है कि साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। व्हाट इज अ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस? साइकोलॉजिकली द पर्सन विल हैव अ क्रेविंग फॉर दैट सब्सटेंस, कि आज मुझे नहीं मिला है तो वो मुझे चाहिए। देर इज अ मोर ऑफ साइकोलॉजिकल क्रेविंग। जैसे इवन हम चाय कॉफी भी पीते हैं तो हमें आदत हो जाती है, तो देर इज अ क्रेविंग, और व्हेनेवर ही टेक द सब्सटेंस साइकोलॉजिकली ही विल फील बेटर एंड रिलैक्स, तो उसकी वजह से उसको एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस उस चीज़ पे वो डिपेंड हो जाता है। उसके अलावा होता है फिजिकल डिपेंडेंस। तो काफ़ी बार क्या होता है, जब कोई बंदा ओपियोइड लेता है तो उसको कोई फिजिकल सिम्टम्स है, पेन सिम्टम्स है या एनी अदर सिम्टम्स, तो उसमें भी उसको थोड़ा सा रिलैक्स या रिलीफ महसूस होता है, जिसकी वजह से वो उस ड्रग का यूज़ कंटिन्यू कर लेता है। फिर जब हम अचानक से उसको बंद करेंगे तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि उसके जो विड्रॉल सिम्टम्स है वो आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें उस ड्रग को लेना हमारी मजबूरी बन जाती है। तो ये तो हो गया साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिपेंडेंस। इसके अलावा क्या होता है कि जो व्यक्ति इस नशे का आदी हो जाता है, फिर वो मैक्सिमम टाइम अपना प्रोफेशन की जगह उस चीज़ को प्रोक्योर करने में या उसका इस्तेमाल करने में बिताता है, जिसके सब्सटेंशियल उसका जो परफॉर्मेंस है एकेडेमिक या प्रोफेशनल उस पर इम्पैक्ट होता है। उसके अलावा फिर उसके इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में जो है घर वालों से मिसबिहेव करना या बाकी कलीग से मिसबिहेव करना, इस तरह के सिम्टम भी आने लग जाते हैं। चौथा और इम्पॉर्टेंट सोशो ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट के बाद भी एक और होता है कि उसको बार बार वार्न करने के बाद भी वो उसकी जो डोजेज है, उसकी जो क्वांटिटी है, एज वेल एज जो कंसिस्टेंसी है या फ्रिक्वेंसी, उनको कम नहीं कर पाता। तो ये चारों पांचों लक्षण जिसमें पाए जाते हैं उस पेशेंट को हम बोलते हैं कि ही इज़ अ नाउ हैविंग अ ओपियोइड डिपेंडेंस सिंड्रोम और ओपियोइड यूज डिसऑर्डर, इसको डायग्नोस किया जाता है। ओपियोइड डिसऑर्डर को जांच करने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें होता है क्लिनिकल इवेल्युएशन, जब पेशेंट हमारे पास आते हैं उसके रिलेटिव वो हमें हिस्ट्री देता है कि किस तरह से उसका एडिक्शन बढ़ गया, और जब कभी उसको नहीं मिलता है या कभी वो बंद करने की कोशिश करता है तो उसको जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं उसके बारे में वो हमें बताता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसका जो इनटेक है एक मॉडरेट टू सीवियर लेवल का है। फिर उसके अलावा जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज है, उसके सिम्टम उस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के एंगल से ऑब्जर्व करते हैं, अगर वो फुलफिल करता है देन वी विल आस्क द पेशेंट फॉर द फिजिकल इन्वेस्टिगेशन। काफ़ी बार जैसे कोई फिजिकली
इंजेक्टेबल फॉर्म में ले रहा है या और किसी फॉर्म में ले रहा है, तो उसको अब उसको भी हम देखते हैं। उसके बाद होता है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें जो ड्रग के ट्रेसेस है, जिस तरह का ड्रग वो ले रहा है उसके ट्रेसेस लैब इन्वेस्टिगेशन में, यूरिन सैंपल्स में या ब्लड सैंपल्स में हमें मिल जाते हैं। तो इट्स मोर ऑफ कंबाइंड अप्रोच, क्लिनिकल इवेल्युएशन एज वेल एज फुलफिलिंग द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड द लैब इन्वेस्टिगेशंस। मेडिकल मैनेजमेंट में हम जो विड्रॉल होता है उसको बिप्रोनॉर्फिन ड्रग से ट्रीट करते हैं, नैलॉक्सन होता है, फिर बेंजोडाइजेपाइन्स या व्हेनेवर रिक्वायर्ड अदर एंजोलिटिक कैन बी यूज, मिथेडोन को भी हम यूज़ करते हैं, जो ओपियोइड्स है उनको भी, लॉन्ग एक्टिंग ओपियोइड्स को हम यूज़ करते हैं ऐसे केसेस में, नाल्ट्रेक्सोन को भी यूज़ करते हैं। रिगार्डिंग द साइकोथेरेपीज, इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, देन डीबीटी टेक्निक्स होती है, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपीज, रिलैक्सेशन थेरेपीज एज वेल एज फैमिली थेरेपी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर कोई कोमॉर्बिड साइकेटिक इलनेस है तो हम उस तरह से उसको अप्रोच करते हैं। और इसमें एक नार्कोटिक एनोनिमस करके ग्रुप होता है, एनए ग्रुप होता है, जिस ग्रुप में जिन लोगों ने जो ओपियोइड के लत के आदि थे और बाद में जिन्होंने इसको छोड़ा है तो उन्होंने किस तरह उस पर कंट्रोल किया, इसका डिस्कशंस होता है, जो एक ग्रुप थेरेपी का पार्ट है, जिससे पेशेंट मोटिवेट हो जाता है और अपनी समस्याएं भी वहाँ पे बताता है। तो ही विल हैव अ प्रैक्टिकल अप्रोच कि किस तरह से इस चीज़ को प्रैक्टिकली डील करना चाहिए। तो नार्कोटिक एनालिस्ट एनए ग्रुप जो है इसका भी काफ़ी अच्छा रोल इसके ट्रीटमेंट में होता है। पेरेंट्स का जो इम्पॉर्टेंट रोल है दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन। हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं जनरली ड्रग एडिक्ट्स खुद होके काफ़ी कम आते हैं। मान लो कि जैसे 100 पेशेंट अगर हमारे पास ओपियोइड एडिक्शन के आ रहे हैं तो उसमें से हार्डली 5-6 ही ऐसे होते हैं कि जो खुद होके इस बीमारी से इजाद पाना चाहते हैं। बट जो मैक्सिमम केसेस आते हैं वो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं। तो कोई भी अगर पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चों में अब्रप्टली बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, फिर उनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि वो उसको नियर बाय किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाए। सबसे पहले तो अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस गेन करें कि जो भी है वो उसको सच बताएं, और साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास आने के बाद जो भी मेडिकल मैनेजमेंट होगी, जैसे मैंने दवाई के नाम बताए या फिर काउंसलिंग सेशंस है, तो वो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहे। फॉलो करते करते भी उनको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं जब भी उनका बेटा बाहर जा रहा है तो ही शुड बी अंडर अ कॉन्स्टेंट सुपरविजन, एज वेल एज द ड्रग एडिक्ट्स आर ऑफन मैनिपुलेटिव, वो थोड़ा मैनिपुलेशन भी करते हैं। तो इस मैनिपुलेशन से भी पेरेंट्स को बचना है। उसको जैसे किसी को ये लत है तो उसको गुस्सा करना या कुछ बुरा बोलना या लूज कमेंट करना, इन चीज़ों से पेरेंट्स को भी बचना चाहिए। रादर इसको एक बीमारी है इसकी तरह कंसिडर करके, और किसी भी बीमारी में जैसे किसी को टाइफाइड होता है तो हम जिस तरह से उसकी सेवा करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसी तरह इन एडिक्शन की बीमारियों में भी पेरेंट्स को एक सपोर्ट का रोल प्ले करना चाहिए, ताकि जो बच्चा या जो लड़का इस ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है वो भी एक कम्फर्ट महसूस करे, कॉन्फिडेंट महसूस करे और उसके मन में कोई गिल्ट फीलिंग ना हो।